अगर आपके पास एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप या पीसी है जो अभी काफ़ी लो परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन है और यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पीड भी नहीं मिलती है, तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो, बिकॉज मैं आपको ऐसे 10 बेस्ट टिप्स बताऊँगा जो आपके परफॉर्मेंस को, जो विंडोज़ 10 के परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंसमेंट करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बूस्टअप आपको मिलेगा ही यूज़ करने के टाइम पे। सो लेट्स सी द फीचर्स एंड द टिप्स। आज का वीडियो मैं स्पेशली बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स हैं उन्हें ये सब बेसिक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे विंडोज़ को फास्टर करने के लिए सबसे पहले जो आपके अननेसेसरी फाइल्स है उन्हें यहाँ से इरेज करना होगा। फाइल्स को इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल आर ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली टेम्प टाइप करना है आपको। देन उसके बाद इन सारे फाइल्स को यहाँ से डिलीट करना है। डोंट वरी, ये सिर्फ एक अननेसेसरी फाइल्स है जो आपके पीसी में गेन हो जाते हैं। सो लेट्स रिमूव इट। फिर से आपको कंट्रोल आर ओपन करना है। देन उसके बाद अभी यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है टेम्प, TEMP। फिर से ये सारे फाइल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अभी आपको डिलीट करना है सारे को। फिर से आपको वही फाइल ओपन करना है या अभी आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है प्रीफेच, PREFETCH। यहाँ पे भी सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। इस प्रोसेस को अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि सारे आपके विंडोज़ के जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो यहाँ से रिमूव्ड हो जाएंगे, जिससे आपको बूस्टअप मिलेगा आपके विंडोज़ को। सो जो नेक्स्ट सेटिंग है जिसमें आपको अप्लाई करना है वो है बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन को स्टॉप करना। तो बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली कहीं पर भी कोने में क्लिक करना है, यहाँ से स्टार्ट मैनेजर को ओपन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्टअप बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे जो एक बैकग्राउंड प्रोग्राम्स है। सिंपली जो भी इनेबल्ड है उन्हें आपको डिसेबल करना है और ओनली सिर्फ अननेसेसरी बैकग्राउंड ऐप्स को, लेकिन जो आपके काम के हैं उन्हें आपको यहाँ पे डिसेबल मत करिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो विंडोज़ के जितने भी सारे आपको प्रोग्राम सीख रहे हैं उन्हें आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, बट रेस्ट प्रोग्राम्स को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल आर प्रेस करके इस ऑप्शन को क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है MS config और यहाँ पे सर्विसेज ऑप्शन में जाके सिंपली आपको क्लिक करना है और मेक श्योर कि ये सारे सेटिंग्स आपके यहाँ पे चेक मार्क हो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसकी वजह से आपका विंडोज़ यहाँ पे प्रॉपर परफॉर्म करता है। सो मेक श्योर कि ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑन हो। सो जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है ऑप्टिमाइजेशन। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना है डीफ्रेगमेंट। डीफ्रेगमेंट यहाँ में जाने के बाद यहाँ पे आपको इस सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ करने से जो अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप्ड हो जाता है और आपका जो सी ड्राइव है वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। सो लेट्स डू दैट। सो ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक और फीचर को फाइंड आउट करना होगा सेटिंग में जाके। सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग में सर्च में जाना है और अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपल सिस्टम। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगा जिसमें आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मेक श्योर कि अगर आप गेमर नहीं हैं, आपको गेम खेलना पसंद नहीं है, तो आप इस सेटिंग को अप्लाई करिएगा, बिकॉज ये जब आप सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो इससे आप ग्राफिकल इफ़ेक्ट्स और विजुअल इफ़ेक्ट्स जब भी आप गेम खेलेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हम यहाँ पे विंडोज़ की परफॉर्मेंस को बूस्टअप देना चाहते हैं, यहाँ पे उसके जो स्पीडअप है उसमें आपको चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें जो विंडोज़ है हमें उसे फास्टर परफॉर्म देना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन है उस पर एडजस्ट फॉर परफॉर्मेंस, उस पर आपको सिंपली टिक मार्क करना है। दैट्स इट।
इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे गेमिंग खेलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको फास्टर मिलेगा। सो जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है सी ड्राइव को क्लीन करना। तो सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर में आना होगा, देन उसके बाद सी ड्राइव पे माउस पे राइट बटन क्लिक करके आपको यहाँ पे जनरल ऑप्शन में आना होगा। देन उसके बाद आपको डिस्क क्लीनर पे टैप करके यहाँ पे आपका जो फाइल है वो यहाँ पे स्कैन होगा। सो यू जस्ट हैव टू वेट हियर। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट विंडो आपको यहाँ पे पॉपअप होगा। देन इसके बाद जो अननेसेसरी फाइल्स है उन्हें आपको सिलेक्ट करना है और फिर से आपको डाउन साइड में क्लीन अप फॉर डिस्क क्लीन पर आपको क्लिक करना होगा। देन इसके बाद फिर से यह फाइल यहाँ पे स्कैन होगा। सो लेट्स वेट हियर। देन इसके बाद जो जो फाइल्स आपको यहाँ पे नहीं चाहिए उन्हें आपको सिंपली सिलेक्ट करके डाउन साइड से आपको डिलीट कर देना होगा, बट मेक श्योर यहाँ पे जो विंडोज़ के अपडेट है वो यहाँ पे डिलीट नहीं होने चाहिए। सो जो नेक्स्ट सेटिंग है उसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर पे विज़िट करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट विंडो पॉपअप होगा। अब इसमें जैसे जैसे मैं फॉलो करूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है, और एक सेटिंग है जिसे आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में डिसेबल्ड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन पे विज़िट करना होगा। देन इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल 001 पे क्लिक करना होगा। डाउन साइड में सर्विसेज पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा NDU। सो लेट्स फाइंड आउट। NDU पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 होगा, उसे आपको रिमूव करने 4 कर देना है। 2 मतलब डिसेबल, यहाँ पे इनेबल होता है। 4 कमांड का मतलब होता है डिसेबल कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मीन्स जितने भी सारे जो अननेसेसरी बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएंगे। सो जितनी भी मैंने आपको सेटिंग्स बताई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है जिनकी वजह से आपका जो विंडोज़ है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फास्टर मिलेगा और जो लैग्स के चांसेस है वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कम हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। सो इट विल हेल्प यू आउट।